नमस्कार, मैं हूं कुमार रहमान। अमृत विचार के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें। बुलेटिन के आखिर भाग में आपको सुनाएंगे रुहेलखंड समाचार। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 1993 नए मामले सामने आए हैं। 73 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1147 हो गई है। देश भर में अब तक 35,043 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर 10,498 पर पहुँच गई है। वहीं गुजरात में संक्रमितों की संख्या 4,395 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 583 नए मामले सामने आए हैं और 27 की मौत हो गई है। गुजरात में 313 नए मामले सामने आए हैं और 17 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा की 9 सीटों के लिए चुनाव 21 मई को होंगे। चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण इन सीटों पर चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। कल महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि इन सीटों के लिए चुनाव करने की अनुमति दी जाए। बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की तबीयत खराब होने के बाद को उनके परिवार ने गलत बताया है। सोशल मीडिया पर अचानक ऐसे मैसेज आने लगे जिसमें उनकी तबीयत खराब होने की बात कही जा रही थी। नसीरुद्दीन शाह के भाई जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि वो पूरी तरह से ठीक हैं, ये हमारे दुश्मन हैं जो गलत संदेश फैला रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने स्वयं को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। कैसर ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। और अब पेश हैं रुहेलखंड समाचार। खबर बरेली से। कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद बरेली रेड जोन में शामिल हो गया है। शासन ने 19 जिलों समेत बरेली को रेड जोन में रखा है। 3 मई के बाद यहां राहत की उम्मीद कम ही की जा रही है। बरेली में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खबर मुरादाबाद से। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मुरादाबाद में डीएम ने 2 डॉक्टरों समेत 20 मेडिकल स्टाफ को नोटिस जारी किया है। कोविड-19 अस्पताल में तैनात किए गए स्वास्थ्य विभाग के 20 कर्मी लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे हैं। पहले जारी कारण बता नोटिस का भी उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया था। डीएम ने सभी गैर हाजिर कर्मियों को 2 मई तक ड्यूटी ज्वाइन न करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। खबर शाहजहाँपुर से। पुलिस ने 9 थाईलैंड निवासी विदेशी नागरिकों समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें अस्थायी जेल भेज दिया है। थाईलैंड निवासी 9 विदेशी जमातियों समेत 2 अन्य जमातियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया। यहाँ से उन्हें अजीजगंज स्थित अस्थायी जेल भेज दिया गया। इनमें से एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाकी कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त थे। आखिर में पेश है बरेली के मौसम का हाल। शुक्रवार को 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कल 36 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है। आसमान पर बादल छाए रहेंगे। इन खबरों को डिटेल में जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.amritvichar.com। नमस्कार।